तो गाइस मूवीज ब्लॉग नीच पूरे इंटरनेट में जितने भी सर्चेस होते हैं उसका 70% मूवी से रिलेटेड होता है, या तो मूवी डाउनलोड का होगा या फिर मूवीज के म्यूजिक डाउनलोड का या फिर कोई डायरेक्टर का डिटेल्स, ये सभी चीजें मूवीज रिलेटेड से ही होते हैं। तो मूवीज का ब्लॉग नीच बहुत बड़ा है एंड इसमें आप कुछ ऐसे पार्ट में जा सकते हैं जिसमें पायरेसी भी नहीं होता एंड उसमें बहुत ज्यादा सर्चेस भी आते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आप जो है गूगल से ले सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सो हे गाइस, इट्स मी मंशु हियर बैक विद इंटरेस्टिंग वीडियो। सो यार कैसे हो सब लोग? तो यार जैसे आपको पता है मैं वेबसाइट डिजाइनिंग एसईओ एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, तो आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे चैनल में जरूर चेकआउट कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस हम बात करेंगे मूवीज ब्लॉग नीच के ऊपर, कौन से नीच में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि मूवीज ब्लॉग नीच बहुत बड़ा ब्लॉग नीच है। ओके, इसके अंडर बहुत सारे जो है छोटे छोटे नीचेस आते हैं, जैसे डायरेक्ट डाउनलोड का हो गया, कोई रिव्यू का हो गया, कोई डायरेक्टर डिटेल्स का हो गया, कोई हीरोइन हीरो हीरोइन का हो गया, ऐसे बहुत सारे नीच आते हैं। तो कौन से ब्लॉग नीच पर आपको कौन काम करना चाहिए एंड किस में कितना ट्रैफिक आता है, ये डिटेल्स आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले चैनल को तुम सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस मूवीज मार्केट कितना बड़ा है इसका आपको एक अंदाजा लगाने के लिए मैं कुछ मूवीज सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मूवीज का सर्च वॉल्यूम, पहला मूवी है हमारा आरआरआर मूवी जो कि मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च कर रहा हूँ, ये गूगल का खुद का है। यहाँ पे कितना सर्चेस दिखा देता है, देखो आरआरआर मूवी का मैं सर्च किया हूँ, इसका जो मंथली वॉल्यूम आ रहा है गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं मंथली, देखो यहाँ पे 100K से 1 मिलियन मंथली सर्चेस आ रहे हैं लास्ट मंथ का है। ओके, एंड इसमें भी आरआरआर फुल मूवी, आरआरआर जो है 2021 का मूवी, ये सभी में ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे पठान मूवी का, यहाँ पे मैं ओपन किया देख सकते हो पठान मूवी डाउनलोड, इसका जो सर्च आ रहा है इसका भी 100K से 1 मिलियन तक सर्चेस आ रहे हैं। सिंपल पठान मूवी फुल मूवी डाउनलोड या फिर पठान मूवी 1, 2, 3 MKB, इस पे भी 10,000 ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे किसी भी मूवी का सर्च करूँ मिलियंस पे ट्रॉफी आता है। इवन मैं बिना रिलीज हुए जो अपकमिंग मूवीज हैं उसका भी सर्च करूँ, देखो यहाँ पे टाइगर 3 का मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ, टाइगर 3 देख सकते हो यहाँ पे, टाइगर 3 इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम देखो भाई, टाइगर 3 नवंबर को रिलीज होने वाला है, मतलब 5-6 महीने बाकी हैं अभी, इसमें भी सर्च वॉल्यूम आ रहा है 100K से 1 मिलियन तक इसमें सर्चेस आ रहे हैं। टाइगर 3 सलमान खान इसमें भी 1,000, 2,000, 1 मिलियन ऐसे सर्च आ रहे हैं भाई। तो इन मूवीज पे बहुत ज्यादा सर्चेस आते हैं, इवन मूवीज के नेम जो एक कीवर्ड होता है उस पे भी मिलियन सर्चेस आ रहे हैं। एंड वहां पे मूवीज का डाउनलोड लिंक के लिए तो सर्चेस ओबियसली आता है, बट मूवीज का डायरेक्टर, मूवीज का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, इसमें भी बहुत ज्यादा सर्चेस आते हैं। एंड हम कुछ ऐसे नीच पे काम कर सकते हैं जिसमें पायरेसी का कोई अता पता नहीं है, जैसे मूवीज डाउनलोड लिंक पे फुल पायरेसी, यहाँ पे आप कोई भी साइट बनाओ 10 दिन में उड़ जाएगा, पूरा फुल रिस्क से काम करना पड़ता है मूवी वेबसाइट, मूवी डाउनलोड वेबसाइट में बनाने के लिए, बट मूवीज रिव्यूज वेबसाइट बनाने के लिए वैसे अदर हैंड बहुत कम जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छा ट्रैफिक आएगा एंड एडसेंस भी उड़ेगा नहीं। ऐसे ही मूवीज का हीरो हीरोइन कौन है, डायरेक्टर कौन है, इसके ऊपर भी आप एक वेबसाइट बना सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा सर्चेस आएगा एंड उसमें भाई आपका एडसेंस उड़ेगा नहीं, आप अच्छे से काम कर सकते हो एंड यही करते हैं न्यूज वेबसाइट वाले। मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाता हूं अभी, हमारा जो कीवर्ड था पठान मूवी डाउनलोड, ओके, इसमें जो सर्चेस आ रहा था मंथली 1 मिलियन के अराउंड आ रहा था, मतलब मंथली 10 लाख लोग यहां पे इसको सर्च कर रहे हैं एंड इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हो गए जैसे पठान मूवी डाउनलोड, इसमें भी 1 लाख के करीब सर्चेस आ रहे हैं, 10,000 ऐसे सर्चेस आ रहे हैं, बट इसमें हम काम नहीं कर सकते। इसमें हम अगर मूवी वेबसाइट बनाना होगा तब भी काम कर सकते हैं, अगर हम इसी रिलेटेड एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें पायरेसी ना हो उसका हम कीवर्ड सर्च करेंगे यहाँ पे अभी, तो सिंपली इस पठान मूवी डाउनलोड इसको कीवर्ड को थोड़ा एडिट करते हैं, यहाँ पे पठान मूवीज कर देते हैं एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे डेट रेंज जो है मतलब इसको ये जो लाइक लास्ट 12 मंथ का सर्च कर रहा है इसी मंथ का सर्च करता है क्योंकि ये मूवी थोड़ा ओल्ड हो गया है एंड इसका जो है इस मंथ लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसका हमको चेक करना होगा। एंड यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड हमको मिल जाएंगे, देख सकते हो पठान शाहरुख खान मूवीज यहाँ पे आ गया, पठान मूवी डायरेक्टर आ गया, इसी कीवर्ड पे देख सकते हो 10,000 से 1 लाख ट्रैफिक है, मतलब डायरेक्टर कौन है बोल के भी लोग सर्च कर रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा खासा सर्च आ रहा है। देन यहाँ पे शाहरुख खान लेके फिल्म पठान, देन पठान मूवी न्यूज, इसमें भी 10,000 के ट्रैफिक जो है ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 1,10,000 ऐसे जो है डायरेक्टर पे, इसका प्रोड्यूसर कौन है, देन इसमें कौन कौन से कास्ट कौन कौन है, इस पर भी बहुत ज्यादा सर्चेस आ रहे हैं। तो अगर आपको जो है मूवी रिव्यू वेबसाइट बनाना है जिसमें जो है पठान मूवी या फिर जैसे भी कोई भी ओल्ड मूवी हो गया उसका रिव्यू कैसा कुछ है उसका एक पोस्ट लिख सकते हो आप एक, तो देन उसका डायरेक्टर कौन है उस पर भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक, उस पर भी आप पोस्ट लिख सकते हो। देन इसके बाद आ जाता है मूवीज न्यूज के ऊपर, ओके, मतलब कि लाइक कोई भी जैसे पठान मूवी होगा उसमें कितना कमाया, इस मंथ कितना कमाया, लास्ट मंथ कितना कमाया, अभी उसका स्टेज कैसा है, वो जो है फ्लॉप हुआ या फिर जो है उसका हिट हुआ, उसके ऊपर पोस्ट लिख सकते हो। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना मूवीज के, ये बहुत अच्छे तरीके
तरीके से रैंक होते हैं, बहुत अच्छा ट्रॉफी आता है एंड ट्रॉफी का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप इसमें कोई भी पायरेसी नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें हैं, आप जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी डाउनलोडिंग आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ट्रॉफी आएगा ज़बरदस्त एंड अच्छा खासा अर्निंग होगा इससे। ओके, ऐसे अभी ढूंढते हैं ऐसे जो अपकमिंग मूवीज़ के ऊपर, मतलब ये तो हो गया जो रिलीज हो चुके हैं उसके ऊपर, बट अपकमिंग मूवीज़ का मार्केट कैसा है। जैसे आप जो है कोई भी नेक्स्ट जो है, मान लो नेक्स्ट मंथ को एक मूवी आ रहा है, उसका रिलेटेड आप किस तरीके से पोस्ट लिख सकते हो वो भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मूवीज है टाइगर 3। ओके, टाइगर 3 रिलीज डेट देख सकते हो, टाइगर 3 सिंपली यहाँ पे मैं रिलीज डेट यहाँ पे कर देता हूँ। अभी देखो अभी इस मंथ जो है, आज अभी मार्च हो रहा है, ये नवंबर को रिलीज होने वाला है। ओके, नवंबर को, बट अभी इसका सर्च वॉल्यूम देखो, टाइगर 3 सिंपली मैं गूगल कीवर्ड फिनल पे सर्च किया हूँ एंड इसमें जो है 1 मिलियन के करीब ट्रैफिक अभी से आने लगा है। एंड लोग क्या कर सर्च कर रहे हैं देख सकते हो, टाइगर 3 ऐसे सलमान खान टाइगर 3 ऐसे ही सर्च कर रहे हैं। इस मंथ क्या सर्च कर रहे हैं वो देखते हैं, सिंपली यहाँ पे इस मंथ कर देते लास्ट मंथ। ओके, तो देख सकते हो टाइगर 3 रिलीज डेट पे भी 1 लाख के करीब ट्रैफिक आ रहा है। अभी इसको इसका और डिटेल जानने के लिए इसको एक प्लगइन में सर्च करते हैं। तो देखो और एक टाइप में मेरा एक प्लगइन खुला है, सर्फर वाला प्लगइन, SEO सर्फर वाला नाम से एक फ्री प्लगइन है, इसको आप ऐड कर सकते हो क्रोम में। इसको जब ओपन करेंगे हम, इसमें टाइगर 3 सिंपली ऐसे सर्च किया हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लगइन डायरेक्टली गूगल में ही दिखा देता है कितना सर्चेस आ रहे हैं। तो देखो ये एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम इन इंडिया यहाँ पे देख सकते हो 90,000 अभी सर्चेस आ रहे हैं इस पे। एंड क्या क्या सर्चेस आ रहे हैं यहाँ पे दिखा देगा, देख सकते हो यहाँ पे एक था टाइगर सलमान खान न्यू मूवीज, इस पे 40,000 के करीब सर्च आ रहे हैं। देन एक था टाइगर पे 60,000 के करीब ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे टाइगर 3 रिलीज डेट पे देख सकते हो 9,900 यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। तो इससे आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि अपकमिंग मूवीज पे भी सर्चेस आते हैं, इसका भी एक मार्केट है जिसको आप कैप्चर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि मिलियंस पे ट्रैफिक ले रहा है, इसी चीज का यूज करके, मूवीज टॉपिक रिलीज डेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसी चीज का यूज करके मिलियंस ऑफ ट्रैफिक ले रहा है, जो कि आप खुद भी कर सकते हो, इसी कीवर्ड पे आप खुद काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है karnataka open university.in। ओके, ये जो साइट है गवर्नमेंट का नहीं है भाई, एक नॉर्मल बंदे का साइट है, ऐसा डोमेन लिया इसने, एनीवे किस लिए लिया है मुझे पता नहीं, बट ये साइट पे देखो जो मंथली विजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे 6.7 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है, बाउंस रेट 88% आ रहा है, तो कुछ तो घोटाला करता होगा ना। यहाँ पे पेज व्यूज देखो 1.67 एंड ड्यूरेशन 59, बट जो मेन चीज है वो है ट्रैफिक का, बहुत हाई ट्रैफिक आ रहा है एंड मेनली देखो इंडिया से ट्रैफिक है एंड उसमें फिर इसका जो है जो एवरेज मंथली ड्यूरेशन है वो 59 सेकंड का है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, कोई लेटेस्ट जॉब हो गया, कोई लेटेस्ट जो है लाइक कोई एग्जाम का हो गया, उस तरीके का वेबसाइट लिखता है, उसी तरीके की पोस्ट लिखता है सॉरी। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसे अगर आप एक जॉब वेबसाइट का एक जॉब रिलेटेड पोस्ट लिखते हो उसमें ड्यूरेशन जो यहाँ पे जो एवरेज ड्यूरेशन आता है ना 59 सेकंड का, ये कभी नहीं आएगा, बहुत हाई ड्यूरेशन आएगा, 1-2 मिनट बच्चे पढ़ेंगे उसको देखेंगे। ये जो साइड है ना ये बस दिखावा है, ये एक आगे एक दिखावा है जस्ट। ये क्या करता है यहाँ पे आप, मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ। जब भी मैं टाइगर 3 ये सर्च कर रहा था मुझे साइड में लिया, देखो यहाँ पे ये साइड है टाइगर 3 रिलीज डेट 2023 स्टोरी कास्ट व्हेन इट विल रिलीज, इसके ऊपर ये पोस्ट लिखता है, उसी से सारा ट्रॉफी आ रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा बाउंस रेट है। ऐसे सिमिलरली मैं इस वेबसाइट को थोड़ा ज्यादा जो है सर्च किया, यहाँ पे अगर हम जो है इसके सर्च टैब में चले जाएंगे, यहाँ पे सिंपली सर्च टैब पे यहाँ पे रिलीज डेट ऐसे सर्च कर देंगे तो लेटेस्ट मूवीज जितनी भी मूवीज पे ये पोस्ट लिखता है सभी कुछ आ जाएगा। देखो यहाँ पे शकुंतला मूवी रिलीज डेट यहाँ पे आज का ही है ये पोस्ट, देन यहाँ पे तू झूठी मैं मक्कार इसका रिलीज डेट, जैसे यहाँ पे जो भी नेक्स्ट मूवीज है उसका रिलीज डेट, मोनी सीजन 6 का रिलीज डेट, ये वेब सीरीज मूवीज देन कोई भी लाइक म्यूजिक का हो गया, ये सभी के ऊपर पोस्ट लिखता है एंड इसी से मेन इसका ट्रैफिक आ रहा है। तो बहुत एक अच्छा आइडिया है यहाँ पे इस जो है साइट का, एक अर्निंग करने का, एक ट्रैफिक लेने का। एंड देखो यहाँ पे कोई भी लाइक आप कोई भी जो है यहाँ पे जो है पोस्ट को ओपन कर दो, देखो तू झूठी मैं मक्कार इसका जो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे कौन कौन डायरेक्टर है, एक फोटो दे दिया है, नाम डायरेक्टर कैटेगरी एंटरटेनमेंट ये सभी चीजें दे दिया है, कौन डायरेक्टर है, इसमें कोई भी पायरेसी नहीं, इसमें कोई भी डाउनलोड लिंक प्रोवाइड किया गया नहीं है, इसीलिए जेन्युइन चीज है। एंड ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे मूवीज रिव्यूज के ऊपर, मूवी कौन कास्ट किया है, कौन डायरेक्टर है, इसके ऊपर आप इजीली पोस्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई पायरेसी नहीं है भाई। ऐसे कब रिलीज होगा, इसमें कॉस्ट कौन कास्ट कर रहा है, कौन कौन हीरो हीरोइन है, ये सभी चीजें के ऊपर पायरेसी बिल्कुल नहीं होता, इसमें स्ट्राइक नहीं आता, इसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हो, जैसे ये वेबसाइट कर रहा है, खुद भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ये मूवीज वेबसाइट के ऊपर, मूवीज नीच के ऊपर एक अच्छा जो एक छोटा सा एक अच्छा नीच है जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो एंड इस तरीके से मिलियंस पे ट्रैफिक ले
सकते हो, बस जो है लाइक क्या ये क्या ही लिख रहा है भाई, ये जो है सभी का सभी मूवीज का इम्प्रिंट जो है टाइटल देख दिया है, उसका रिलीज डेट स्टार कास्ट देखो, यहाँ पे टाइटल भी सेम है, यहाँ पे जस्ट मूवी का नेम चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो सीजन 6 मनी हाइस्ट सीजन 6 यहाँ पे फिर से स्टार कास्ट आ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म एपिसोड 1 विल रिलीज, देखो यहाँ पे ट्रेलर आ गया 1 विल रिलीज, देखो यहाँ पे भी 1 विल रिलीज, यहाँ पे सभी चीजों बस मूवीज का नेम चेंज हो रहा है, पैटर्न जो है पोस्ट लिखने का पैटर्न वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो है आप इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसने लिखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, एंड इसी मूवीज के ऊपर अच्छा खासा इसने ट्रॉफी ले रखा है, इसीलिए जो है इस पर मिलियंस ऑफ ट्रॉफी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, खुद भी जाकर सिमिलर पे साइट का जो है चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है इस पर ट्रॉफी आ रहा है, तो इससे आपको पता चल गया होगा मूवीज नीच पे बहुत एक बड़ा नीच है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, जैसे मूवी डाउनलोड वाला भी वेबसाइट बना सकते हो, एंड द अदर हैंड आप जो मूवीज रिव्यूज वाले भी वेबसाइट बना सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा ट्रॉफी आएगा, कोई एडेक्स यूज कर लेना कभी उड़ेगा नहीं, अच्छा खासा जो है ट्रॉफी आएगा, अच्छा खासा अर्निंग होगा, इजीली अर्न कर सकते हो, एडिशंस भी यूज कर सकते हो उसके साथ, एंड ये रिलीज डे कास्ट कब रिलीज होगा इसमें तो आप डायरेक्टली एडिशंस भी यूज कर सकते हो, कोई इशू आपको आने वाला नहीं है, ओके इसमें बहुत ज्यादा सर्चेस आ रहा है भाई, एंड अच्छा खासा ये ब्लॉग नीच है, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग नीच जरूर कमेंट बताना, इसके रिलेटेड आप और भी जो है क्वेरी सर्च कर सकते हो, कौन कौन से मूवी से रिलेटेड और क्या क्या सर्च होते हैं, जैसे लाइक इसका रिव्यू तो हो गया एक, तो देन डायरेक्टर कौन है ये हो गया, कब रिलीज होने वाला ये हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ के ऊपर जो कि जिसमें बहुत अच्छा खासा सर्चेस आते हैं, एंड आप खुद उसमें काम कर सकते हो, एंड इसका और एक भी फायदा है आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, हर मंथ अलग अलग पोस्ट मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे मूवीज रिलीज आते रहेंगे, एंड ये फ्लो कभी बंद नहीं होगा, आपको मूवीज मिलते रहेंगे, आप पोस्ट लिखते रहोगे, अदर एंड आपका ट्रैफिक भी आता रहेगा। तो ये मूवीज ब्लॉग नीच आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आपको और भी वीडियोस चाहिए कि कैसे वो मूवीज वेबसाइट बनाते हैं, कैसे मूवीज रिव्यू वेबसाइट बनाते हैं, कौन सा एड नेटवर्क यूज करते हैं, ये सभी के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, एंड होपफुली आपको जो ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।